हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शनिपनी एजुकेशनल एकेडमी। हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारा सेकंड यूनिट है दिस इज़ गोइंग टू हर्ट जस्ट अ लिटिल बिट, वो हमने स्टडी करना चालू किया था। ठीक है, तो उसका हमने आधा लेसन कंप्लीट किया था, बाकी का जो लेसन है वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो जितना लेसन हमने स्टडी किया था उसकी एक झलक आपको देती हूँ कि क्या हमने स्टडी किया था। तो यहाँ पे जो एक लड़का है वो लड़के को दांत में दर्द है। ठीक है, तो वो डेंटिस्ट के पास जाता है, तो उसके बारे में ये पूरा लेसन लिखा हुआ है। तो वो लड़का क्या कहता है कि जो डेंटिस्ट सबसे ज़्यादा ख़राब क्या होता है, डेंटिस्ट की चेयर पे बैठना और वहाँ पे मुंह खुला करना, ऐसा कहता है। फिर वो क्या कहता है कि जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो जो दांत होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, टॉर्चर करते हैं, मेंटल होते हैं। डेंटिस्ट लोग भी ऐसे होते हैं, हमें कॉन्फिडेंट रहना बहुत हार्ड हो, हमारे लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत हार्ड हो जाता है जब हम डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं, और वो लोग हमारे दांत का ऐसे इलाज करते हैं जैसे कोई रोड हो, कि रोड पे जैसे ड्रिल मशीन, जैसे पत्थर, मिक्सर मशीन, ये सब जैसे रोड पे चलता है वैसे हमारे मुंह में ये सब चलता हो, हमें ऐसा फील होता है। ये सब किसको हो रहा है, वो लड़का है, वो लड़के को यही सब हो रहा है, और ऐसा लगता है जैसे हमारे दांत है वो पॉलिश हो रहे हैं, उस पर आवाज़ आ रही है, और ये जितना भी कुछ होता है वो सब कांच में देख के होता है। तो यहाँ तक का कांच में देख के होता है, इज दैट ऑल्स डन विथ अ मिरर, यहाँ तक का हमने स्टडी किया था। उसके बाद का स्टडी करते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये लड़का डेंटिस्ट की चेयर पे बैठा है, मुंह खुला रखा है, डेंटिस्ट उसके मुंह में दांत का इलाज कर रहे हैं। यहाँ पे जो पिक्चर से उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डेंटिस्ट का क्लिनिक, यहाँ पे लिखा है डेंटिस्ट, यहाँ पे दांत का जो हमारा जरबा आता है उसका पिक्चर्स लगाया है। यहाँ पे क्या लगाया है कि एक फनी पिक्चर लगाया है कि बैड बॉय ड्रिल और गुड बॉय ड्रिल, कि जो बैड बॉय होते हैं उसके लिए दांत निकालना मशीन क्या है ये है, और जो गुड बॉय है उसके लिए दांत निकालने का मशीन क्या है ये। तो यहाँ पे एक फ़नी पिक्चर्स लिया गया है। ये जो लड़का है उसको दांत का इलाज करवाने से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसके ऊपर पूरी स्टोरी दी गई है। तो आधा लेसन हमने किया, उसके बाद का हम देखते हैं। ठीक है, चलो। बट इट इजंट बिकॉज ही देन कोट्स योर माउथ फ्रॉम सेलर टू रूफ विथ समथिंग दैट आई सस्पेक्ट इज जनरली यूज टू पुट अ शाइन टू अ हॉर्स हूफ। क्या कहते हैं यहाँ पे, देखो पहले आया कोट्स, तो कोट्स का मीनिंग क्या होता है, अप्लाइज अ लेयर। हमें पता होता है कि जब हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं, हमने हमारे मम्मी पापा के या फिर दादा दादी के ऐसे देखे होंगे कि जब दांत ख़राब हो जाते हैं तो वो क्लिनिक डेंटिस्ट के पास जाते हो तो ऐसा कहते हैं कि हमने लेयर करवाया, यानी कि सीमेंट पूरा, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे इसका मीनिंग ये होता है। सेलर का मीनिंग होता है एन अंडरग्राउंड रूम ऑफन यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स। ठीक है, ये सेलर का मीनिंग हुआ। और हुफ, हुफ का मीनिंग होता है फुट ऑफ द हॉर्स, के हॉर्स के जो पग। तो यहाँ पे क्या कहता है वो बच्चा, वो लड़का क्या कहता है कि जैसे हॉर्स की हुफ आती है उसमें साइन करने के लिए जो करते हैं, ऐसा हमें लगता है कि हमारा जो दांत है वो भी हॉर्स के जैसे साइंस करे, उसके लिए उसका कोट्स करते हैं, यानी कि लेयर दिया जाता है, वो दांत का इलाज करके उसको लेयर दिया जाता है। जैसे रूफ छापरे वाला जो घर होता है वैसे उसमें कैसे स्टोर रूम आता है सारी चीज़ को रखने के लिए, तो उस तरह से यहाँ की इसकी कंपैरिजन की गई है कि जो कोट्स हैं वो जो लेयर है वो हमारे माउथ में लेयर किया जाता है। और एंड यू बेट एंड यू टॉटर टू यूर फीट एंड थिंक वेल इट्स ऑल नाउ। टॉटर का मीनिंग होता है यहाँ पे स्टम्बल, शेक, हिलाना। जब हम हमारे पैर को हिलाने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा सोचते हैं कि चलो अब सब कुछ ख़त्म हो गया, कि इतना कुछ हो गया, ये रोड वाला आ गया, हॉर्स वाला आ गया, कोर्स वाला आ गया,
ये सब कुछ जितना भी हो गया वो सारी फीलिंग वो लड़के को आ रही है जब वो डेंटिस्ट की चेयर पे बैठा होता है, डेंटिस्ट उसका इलाज करता है, तब उसको ये जो जितना भी हमारा लेसन में है वो सब उसको फील होता है। और लास्ट में इतना होने के बाद वो क्या सोचता है कि चलो अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तब एंड आफ्टर ऑल इट वॉज ओनली दिस वंस एंड ही सेज कम बैक इन 3 मंथ्स। हमें लगता है, हम ऐसा सोचते हैं कि चलो सब खत्म हो गया, एक बार का ही था, और तब वो क्या कहते हैं कि 3 महीने में वापस आना है, कम बैक इन 3 मंथ्स। एंड दिस ओ फैट इज आई थिंक द मोस्ट विशिशियस सर्कल डेट थ्रू एवर सेंटेस्ट। यहाँ पे जो फैट है इसका मीनिंग होता है लक, यानी कि नसीब। जो विशेष इसका मीनिंग होता है बैड यानी कि खराब। थो का मीनिंग, थ्यू का मीनिंग होता है यू, और सेंटेश का मीनिंग होता है सेंट। तो हमें ऐसा लगता है कि अब ख़त्म हो गया, तब वो कहते हैं कि 3 मंथ में आना है, तब हम क्या सोचते हैं कि यार फैट यानी कि हमारा नसीब कितना खराब है, हमारा नसीब कितना खराब है कि वापस मुड़ के वहीं पर ही आ जाता है, ऐसा हमें विचार आता है। That man has to go continually to the dentist to keep his teeth good, in good condition. Condition का meaning होता है state, कि जो इंसान अपना दांत अच्छे रखने की सिचुएशन में, अच्छी सिचुएशन में रखना चाहता है, उसको डेंटिस्ट के पास कंटिन्यू यानी कि चालू ही रखना पड़ता है, जाना डेंटिस्ट के पास चालू रखना पड़ता है। When the chief reason he wants his teeth in good condition is so that he won't have to go to dentist. Chief reason यानी कि जो हमारा main reason होता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा दांत अच्छी condition में रहे तो हमें कभी dentist के पास जाना चाहिए नहीं। तो यहाँ पर एक funny line वो लड़का है वो ऐसे लिखता है। तो ये लड़के को जो दांत की जो प्रॉब्लम है वो डेंटिस्ट के पास जाता है तो उसको क्या क्या फीलिंग आती है, उसके साथ कैसा बिहेव होता है, जो कुछ भी उसकी ट्रीटमेंट होती है उसमें उसको क्या फील होता है, उसके ऊपर हमारा पूरा लेसन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सेकेंड लेसन है वो कम्प्लीट होता है, और इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है उसकी आपको PDF फाइल मिल जाएगी, तो उसमें से आपको एक्सरसाइज को कम्प्लीट करना है। ठीक है, बाकी का जो आगे का जो यूनिट है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।